Hello everyone, myself Nirav Shah. From today, we are going to start GoodSat revision lectures. As you all know, our government has rescheduled GoodSat examination date on 30th July 2020. So, we have enough time to cover all concepts of your syllabus and you can easily prepare for your examination. To fulfill this purpose, we have planned special method for your preparation. For all chapters, we first discuss important formulas or concepts. Then, on the basis of those concepts, we will discuss some MCQs. So, without wasting time, let us start our first lecture. In this lecture, we are going to start electrostates from your syllabus. अब electrostates जैसे start करेंगे, NCERT में हमारा chapter number 1 and chapter number 2 है. जो बेसिक चैप्टर्स जो हमारे 12th स्टैंडर्ड में है उसी चैप्टर के बेसिस पे हम लोग चैप्टर ये सिलेबस और ये रिवीजन लेक्चर्स का प्लानिंग किया है. सो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इलेक्ट्रोस्टेट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. और मैंने जैसे आपको बताया मेथड हमारे सबसे पहले एमसीक्यू के लिए फार्मूलास और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. सो जैसे चैप्टर नंबर 1 था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. उस चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इतने सारे कंसेप्ट स्टडी किए थे. उसके बाद इलेक्ट्रोस्टेट्स में फर्दर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो कंसेप्ट स्टडी किए थे. देन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये बेसिक पार्ट था चैप्टर नंबर 2 का. इसके बाद हमने फर्दर उस चैप्टर में पढ़ा था डाइइलेक्ट्रिक का एक कंसेप्ट और पोलराइजेशन मेथड. उसके बाद उस चैप्टर का सेकंड पार्ट था कैपेसिटर. तो ये दोनों चैप्टर मिला के हम लोग रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम इस दोनों चैप्टर को मिला के बहुत सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग सारे फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं डेरिवेशन के साथ आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में. सो फर्स्ट फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी. तो ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एनी, वेर एन इज इंटीग्रल नंबर, ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वी नो द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹¹. देन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कॉन्स्टेंट. अब फोर्स कॉन्स्टेंट हमारे पास था स्मॉल के, जिसको हमने डिस्कस किया था कूलम कांस्टेंट. अब कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है 9 × 10⁻¹⁹. और कूलम कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है तो हमने परमिटिविटी का भी एक टर्म ऐड किया था. तो स्मॉल के इज इक्वल टू 1/4π ε₀, जहाँ पे ε₀ की वैल्यू का क्या हो जाएगी 8.85 × 10⁻²¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. देन कूलम स्लो, F इज इक्वल टू K₁Q₂/R² और K के प्लेस पे हमने पुट किया 1/4π ε₀. सो F इज इक्वल टू Q₁Q₂/4π ε₀R² और हमने एक चीज़ और भी स्टडी की थी कि कूलम फोर्स वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है. मतलब F₁ और F₂ अगर दो फोर्स आएंगे तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. वैसे दो चार्ज पार्टिकल होंगे, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो एट द सेम टाइम सेकंड पार्टिकल भी फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी. इसीलिए यहाँ पे लिखा हमने F₂₁ और F₂₁ इज इक्वल टू -F₂₁. देन डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था फर्स्ट चैप्टर में, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. जैसे हमने पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है तो मीडियम डिपेंडेंसी के लिए हमारे पास अगर वैक्यूम होगा, मतलब दो चार्ज को वैक्यूम और एयर मीडियम में हमने प्लेस किया होगा, तब हमारे पास परमिटिविटी होगी ε₀. और अगर ये दोनों चार्जेस को हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस किया तब हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी होगी ε₁. और इसी दोनों का रेशियो लेंगे हम लोग, मतलब परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम, मतलब ε₁ / ε₀ विच इज इक्वल टू Kk, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे ε₁ रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, E इज इक्वल टू F/Q. ये सबसे बेसिक कंसेप्ट था फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज.
therefore F is equal to Q into E. ये भी एक फॉर्मूला इस फॉर्मूला से बनेगा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज Q एट डिस्टेंस R. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकेंड बेसिक फार्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और K के प्लेस पे हमने लिखा है 1/4πε0, तो E इज इक्वल टू Q/4πε0 आर स्क्वायर. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन. अब फर्स्ट चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट थियरी स्टडी की थी एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन के लिए. अब एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला था 2π/4πε0 आर स्क्वायर, जिसको मैग्नीट्यूड के टर्म में हमने लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2kp/r³, जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस भी किया था. और एक्सियल लाइन के बाद इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इज इक्वल टू kp/r³, मतलब p/4πε0 r³. और इन दोनों का रिलेशन भी हमें पता है, और फॉर्मूला देख के भी आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्सिस का फॉर्मूला और इक्वेटोरियल लाइन के फॉर्मूला में क्या रिलेशन होगा. तो E एक्सिस इज इक्वल टू 2 times E इक्वेटोरियल लाइन. तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है एग्जाम के लिए. अब ये दोनों फॉर्मूला हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में क्लास में डिराइव किया था, बट अगर हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होगा जो एक्सिस और इक्वेटर में नहीं होगा, कोई भी एक जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो जनरल पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला आ सकता है E इज इक्वल टू p√3cos²θ+1/4πε0 r³. ये भी एक फॉर्मूला जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में आपने स्टडी किया होगा, तो ये एक फॉर्मूला जब जनरल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तब यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी एक फार्मूला आपको याद रखना होगा. ये सारे फार्मूलाज जो हमने डिराइव किए हैं, या फिर हमने डिराइव नहीं किए बट आपने एंट्रेंस एग्जाम में इसका सारा प्रूफ भी देखा होगा और आपने स्टडी भी किया होगा, तो इस पीडीएफ में और इस स्लाइड में हमने सारे फार्मूलाज जो आपको कहीं पे भी शॉर्टकट एमसीक्यूज को सॉल्व करने में काम लग सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा विथ आर, देन tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा. अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फील्ड एंड डिरेक्शन ऑफ आर, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी. आर मतलब हो जाएगा द पोजिशन वेक्टर जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और पी मतलब डाइपोल मोमेंट. देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. अब ये चार्ज रिंग के लिए एक बेसिक फार्मूला है, जिसको आप रिंग को अलग अलग पार्ट में, मतलब रिंग के लिए टोटल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री. अगर इसी रिंग को, इसी एक वायर को हमने सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया तब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला आएगा. जब इसको हमने 1/4 quadrant में कन्वर्ट कर दिया या फिर 1/4 circle में कन्वर्ट कर दिया तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आएगा. तो हमने एक कम्प्लीट रिंग के लिए फार्मूला लिखा है जिसके अंदर आप एंगल चेंज करके डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं. तो ये एक फार्मूला जो क्लास में आपने ऑलरेडी प्रूव भी किया था, q√r/4πε0(r²+a²)√3/2. तो ये सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के लिए फार्मूला है. देन टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब कोई डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin θ विच इज इक्वल टू P cross E. तो ये एक बेसिक फार्मूला जो क्लास में डिस्कस किया था. देन वर्क डन फॉर रोटेटिंग डाइपोल बाय एंगल थीटा. अगर एंगल थीटा से किसी डाइपोल को रोटेट करना होगा तब वर्क डन कितना करना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू PE(1−cos θ). देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन P इज अलोंग E. मतलब पोटेंशियल एनर्जी का एक बेसिक फार्मूला, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एक बेसिक फार्मूला जो हमने डिराइव किया था वो था u=−PE cos θ. अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे तो θ=0°, मतलब आंसर आ जाएगा u=−P×E. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब 180 डिग्री पे, तब ये आंसर आ जाएगा +E P×E, बिकॉज cos 180 = −1. तो सेम 17 नंबर के फॉर्मूला में हमने वो चीज़ अप्लाई की है, अगर 180 डिग्री होगा तो U=+P×E,
और अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो इस तीनों कंडीशन से हमें एक चीज़ पता चलेगी, स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन फॉर द डाइपोल। जिस स्टेज में डाइपोल की एनर्जी मिनिमम होगी वो कोई भी सिस्टम के लिए उसके लिए मोस्ट स्टेबल कंडीशन कही जाएगी, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई, ये हो जाएगी मोस्ट स्टेबल कंडीशन। और जिस स्टेज में एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी उस स्टेज के लिए हम लोग बोलेंगे मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन डाइपोल के लिए। तो U इज इक्वल टू प्लस पी ई हो जाएगी मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक हमने कंसेप्ट देखा था ई एस कॉस थीटा, तीन क्वांटिटी के ऊपर फ्लक्स डिपेंड करेगा। जब कॉस थीटा को रिमूव करेंगे तो आएगा ई डॉट एस, मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। देन गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये गॉस थ्योरम का एक बेसिक स्टेटमेंट और उसके बेसिस पे फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म। अब गॉस एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम की तीन एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस की थी, तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला था 2k λr या फिर λ/2π0r। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, अब इन्फाइनाइट प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो σ/2ε0। इसी इन्फाइनाइट प्लेन को यूज़ करके हमने कैपेसिटर का एक टॉपिक देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सेंटर में, मतलब दो प्लेट के बीच में, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हमने ये कंसेप्ट देखा था, जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और दोनों प्लेट के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, मतलब σ/ε0। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। देन विदिन टू पैरेलल सेट्स ऑफ सिमिलर चार्जेस, अगर दोनों सिमिलर चार्जेस रहेंगे तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, और आउटसाइड द फील्ड σ/ε0। अब दोनों सेम चार्जेस वाली प्लेन रखेंगे हम लोग तो बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और साइड आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी σ/ε0। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की। इसके अंदर तीन पॉइंट डिस्कस किए थे, पॉइंट पी आउटसाइड, पॉइंट पी इनसाइड एंड पॉइंट पी ऑन द सरफेस। आउटर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब जो ओरिजिनल शेल है उसकी रेडियस से आउटर रीजन का गॉसियन सरफेस जो बना था, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जो बनाई थी उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये एक कंसेप्ट हमने स्टडी किया था। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे आउटर रीजन के लिए हमने कैलकुलेशन किया, तो आंसर आएगा क्यू अपॉन 4π0r². देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, मतलब आउटर रीजन से जैसे हम लोग सेंटर की तरफ जाएंगे और जो हमारा ओरिजिनल शेल है उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो आउटर रीजन की जो रेडियस थी वो हमारे ओरिजिनल शेल की रेडियस के बराबर हो जाएगा, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बट यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे हम स्मॉल आर का कैपिटल आर से। तो ये फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π0 कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड दी स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके MCQs के लिए, जब भी आपको कोई भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो इनसाइड दी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, ये चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब ये फोर्थ एप्लीकेशन है जो हमने एक्स्ट्रा में डिस्कस की थी और हमारा एक एग्जांपल था NCERT का 1.13। तो ये जो स्फेरिकल सेल की कंडीशन हमने स्टडी की जहाँ पे चार्जेस हमने आउटर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट किए थे, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे चार्जेस स्फीयर के अंदर है,
तो इसको हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक हो जाएगा कंडक्टिंग स्फीयर और सेकेंड हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये जो हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है ये होगी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो 27th वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम का एक कंसेप्ट हम लोग, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी रो इंटू स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब जो मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी, अगर एयर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। R is the radius of sphere and rho is the volume charge density. Potential due to charge capital Q at distance R. अब potential का concept start करेंगे। Small r distance पे कोई भी charge का potential कितना होगा, तो ये सबसे basic formula KQ upon R. Now potential energy with charge Q kept at a point with potential V. So ये एक formula जो हमने already लोअर स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था, W इज इक्वल टू Q इंटू V, वेर V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो U इज इक्वल टू Q इंटू V, विच इज इक्वल टू V का फॉर्मूला हमने 28 नंबर में ही देखा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये बेसिक फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R, ये एक फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद रखना है। नेक्स्ट, वर्क डन फॉर इन मूविंग अ चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। अब जब भी कोई चार्ज को हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, तब वर्क डन कितना होगा, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी टू माइनस वी वन। एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू चार्जेस के लिए एनर्जी का फॉर्मूला, तो यू इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, जैसे हमने ये पहले डिस्कस किया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। देन रिलेशन ऑफ ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड थीटा, अब थीटा के साथ रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब सबसे बेसिक हमारा एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ई डॉट डी आर, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला बनाया, तो डी वी बाई डी आर विच इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा का रीज़न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने रिमूव किया तो यहाँ पे हमने लिखा है कॉस थीटा। नेक्स्ट, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी एल और इन द अर्थ, मतलब अगर इन्फाइनेट या फिर अर्थ के ऊपर पोटेंशियल का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब डिस्टेंस। तो इन्फाइनाइट पॉइंट पे जाएंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो होता है। नेक्स्ट, 34 नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन या फिर जनरल पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने जनरल पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था जो आपको एग्जाम के लिए 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट भी थियरी थी, और इसी दोनों पॉइंट के लिए मतलब एक्सिस और इक्वेटर के लिए भी हमने फॉर्मूला स्पेशल केसेस में डिस्कस किए थे। सो अगर एक्सिस की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो जीरो, बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। तो ओरिजिनल रिलेशन हमारा जनरल पॉइंट के लिए क्या था, वी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया था और हमने एक फाइनल फार्मूला भी डिराइव किया था इसके लिए। आप ये भी एक फार्मूला याद रख सकते हो, या फिर आपको एनसीईआरटी का जो हमने प्रूफ किया था वो भी फार्मूला याद रख सकते हो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो इक्विपोटेंशियल का मतलब होगा ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और ये जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला डिस्कस किया उसमें वर्क डन का रिलेशन क्या है, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो इस बेसिक फॉर्मूला से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं 37 नंबर का। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो ये जीरो एक आपको एमसीक्यू के लिए यूजफुल रहेगा। देन कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4π0 इंटू कैपिटल आर, वेर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ε0a/d। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला k टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्टली k टाइम्स लिखा है, k टाइम्स ε0a/d, वेर k इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू c/c0। मतलब अगर एयर मीडियम होगा या वैक्यूम होगा दोनों प्लेट के बीच में, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा ε0a/d। और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग प्लेस करेंगे दोनों प्लेट के बीच में, तब जो हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस है उससे न्यू कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इंक्रीज होती है। अदरवाइज हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो फोर्स की वैल्यू के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। बट कैपेसिटेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इफेक्ट की वजह से के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और इसका रीजन भी हमने स्टडी किया था, पोलराइजेशन। नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, सी इज इक्वल टू 4π0 RA/RB/RA-RB, वेयर RA एंड RB आर रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फेरिकल शेल्स। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल कैपेसिटर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, अगर कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो उनका इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1+C2+up to n कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C = 1/C1+1/C2+up to 1/CN। चार्ज कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अब तीनों का रिलेशन क्या होगा, तो ये बेसिक फार्मूला कैपेसिटेंस का C = Q/V। इसी फार्मूला से अगर हमें चार्ज पूछा जाएगा तो Q = CV, ये भी एक फार्मूला हो सकता है, रिफॉर्म कर सकते हैं। देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अब इसके हमने तीन फार्मूला डिराइव किए थे, एक था ½CV², सेकेंड वन ½Q × V एंड थर्ड वन Q² / 2C। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखने हैं। कॉमन पोटेंशियल, अब जब भी एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया उसके बाद उसी कैपेसिटर को सेकेंड अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो हमें पता है कि कंडक्शन मेथड में क्या होगा कि एक स्फीयर के साथ सेकेंड स्फीयर कनेक्ट करेंगे तो एक स्फीयर से सेकेंड स्फीयर में चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे। बट नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर एक पोटेंशियल मतलब एक स्फीयर का पोटेंशियल हायर होगा और सेकेंड स्फीयर का पोटेंशियल लोअर होगा, तो ऑलवेज चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तक डिस्प्लेसमेंट करेगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट मतलब चार्जेस का ट्रांसफ़र कब तक हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक ये चार्जेस ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल का ये मतलब है कि जब भी किसी एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया इनिशियली और उसके बाद उसी कैपेसिटर को सेकेंड अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया, तो दोनों कैपेसिटर के बीच में चार्ज कितने पोटेंशियल तक ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो पोटेंशियल जो होगा वो कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों के लिए सेम। तो इसी कॉमन पोटेंशियल को हम लोग एक सिंपल फार्मूला से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, V = C1V1+C2V2/C1+C2। एनर्जी लॉस इन कनेक्टिंग स्फीयर, अब एनर्जी लॉस का भी एक फार्मूला था, एनर्जी लॉस वाले फार्मूला में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल एनर्जी ½CV² से कैलकुलेट कर ली। सेकेंडली हमने अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तब हमने देखा कि सेकेंड स्फीयर के ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र होगा, एक कॉमन पोटेंशियल तक चार्ज ट्रांसफ़र हो जाने के बाद पूरे सिस्टम की फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी,
तो हमने वो एक चीज़ न्यूमेरिकल में स्टडी की थी कि सेकंड मतलब जो अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया उसके बाद इसकी एनर्जी हाफ हो जाएगी इनिशियल एनर्जी से, मतलब थोड़ी एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी वो भी चार्ज ट्रांसफरिंग के ड्यूरेशन में। तो एनर्जी लॉस कितना होगा अगर ये चीज़ डायरेक्टली एमसीक्यू में आपको स्टडी करना होगा तो आप डायरेक्टली एक कॉमन फार्मूला से इस एनर्जी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी लॉस का फार्मूला यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, मैं वो आपको वापस जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये ऐसा एक न्यूमेरिकल भी आएगा जब आपको ये फार्मूला क्लियर भी हो जाएगा। अगर आपको अभी राइट डाउन मतलब आप नोट डाउन कर रहे हो सारे फार्मूला तो आप लिख सकते हो, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए फार्मूला होगा हाफ सी वन इंटू सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो इस फार्मूला से आप डायरेक्टली एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इंसर्ट करेंगे तब कैपेसिटेंस कितना चेंज हो जाएगा, तो के टाइम्स एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। अब ये जो इसका जो प्रूफ था हमने वो भी देखा था कि डायरेक्टली अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस जो हमारा दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है उससे कम होगा तो एक रीजन ऐसा होगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा और बाकी का रीजन जो बचेगा उसमें एयर मीडियम होगा। तो हमारे पास दो अलग अलग कैपेसिटर्स बन जाएंगे, फर्स्ट कैपेसिटर ऐसा होगा जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा और सेकेंड कैपेसिटर ऐसा होगा जिसकी दो प्लेट के बीच में एयर मीडियम होगा। तब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के से इसका फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो के ए अपॉन डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाई के। इसको आप फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। देन कैपेसिटेंस विथ मेटल प्लेट इंसर्टेड, अब जब भी मेटल प्लेट इंसर्ट करेंगे तो मेटल प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो जाएगा इनफाइनाइट। तो वन अपॉन के जो हमने ये नीचे फॉर्मूला में लिखा है वहाँ पे वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो बाकी टर्म कौन सा बचेगा एप्सिलॉन जीरो के ए अपॉन डी माइनस टी, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और लास्ट फॉर्मूला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, कितना फोर्स होगा दोनों प्लेट के बीच में, या फिर एनर्जी डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने नहीं लिखा है पर हम लोग एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, बट दोनों प्लेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा तो ये फॉर्मूला होगा वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए, या फिर वन बाई टू एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर इंटू ए, वेर कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड क्यू इज द चार्ज ऑन प्लेट। तो ये सारे फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको इसके लिस्ट भी रेडी करनी है और आपके पास जो रेफरेंस बुक है आप उससे भी एमसीक्यूज वापस स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कंसेप्ट के बेसिस पे एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।